राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला भाषा जगत। इस श्रृंखला में अब सुनिए हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत शुद्ध उच्चारण की क्षमता के विकास हेतु कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक बाल भारती के पाठ का भाव सहित वाचन। पाठ का शीर्षक है शालीमार और निशात। भारत में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनको मनुष्य ने अपने हाथों से बनाया है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी स्थान हैं जिन्हें मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर बनाया और सजाया है। कश्मीर के शालीमार और निशात बाग ऐसे ही दर्शनीय स्थान हैं। शालीमार बाघों का राजा है तो निशात को बाघों की रानी कह सकते हैं। कश्मीर की घाटी संसार की सुंदर घाटियों में से एक है। कहीं पहाड़ों से झरने गिर रहे हैं तो कहीं मीठे पानी की बड़ी बड़ी झीलें हैं। कहीं केसर की क्यारियां हैं तो कहीं धान के हरे भरे खेत। कहीं चिनार के विशाल वृक्ष हैं तो कहीं लंबे देवदार के। सारी घाटी फल फूलों के बगीचों से भरी पड़ी है। ऐसा जान पड़ता है मानो सारा कश्मीर ही एक बहुत बड़ा बाग हो। कश्मीर की इसी सुंदरता को देखकर मुगल बादशाह जहांगीर प्रतिवर्ष कश्मीर जाया करते थे। उन्हें बाग लगवाने का बड़ा शौक था। कश्मीर में भी उन्होंने कई बाग लगवाए। ये बाग उन्होंने ऐसे स्थानों पर लगवाए जहां पास में कोई झील या झरना हो ताकि उनकी सिंचाई का भी प्रबंध हो सके। जहांगीर द्वारा लगवाए गए बागों में शालीमार बहुत प्रसिद्ध है। शालीमार का अर्थ है प्रेम। वास्तव में यह बाग बादशाह जहांगीर के सौंदर्य प्रेम का जीता जागता उदाहरण है। इसे मनुष्य और प्रकृति दोनों ने मिलकर सजाया है। शालीमार बाग श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। बाग तक सड़क के रास्ते जाया जा सकता है और डल झील में नावों और शिकारों द्वारा भी। चलो इस बाग की सैर करें। यह सीढ़ी नुमा बाग है। आओ पहली सीढ़ी पर लगे बाग को देखो। यहां कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं। क्यारियों में कैसे रंग बिरंगे फूल खिले हैं। इस पीले फूल को तो देखो कितना बड़ा है। आड़ू, बादाम, खुबानी और चेरी के पेड़ कैसे सुंदर लग रहे हैं। सेब के इन पेड़ों को भी देखो। अपने फलों के बोझ से झुके हुए ये कितने अच्छे लगते हैं। पेड़ पर सेब ही सेब हैं। पत्तों का तो जैसे कहीं नाम ही नहीं। जैसे जैसे तुम ऊपर चढ़ते जाओगे तुम्हें ऐसी ही सीढ़ियां मिलेंगी। प्रत्येक सीढ़ी पर हरी हरी घास का गलीचा, फूलों की क्यारियां और फलों से लदे पेड़ दिखाई देंगे। देखो इस बाग के बीचों बीच यह क्या है। यह एक नहर है जो एक सीढ़ी पर उतरती हुई नीचे डल झील में जा गिरती है। जब यह एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर उतरती है तो ऐसा लगता है मानो झरना हो।
चौथी सीढ़ी पर बने इस तालाब को देखो। इसके बीच ऊंचे चबूतरे पर काले पत्थरों से बना यह छोटा सा भवन है। इसे जहांगीर ने बेगमों के ठहरने के लिए बनवाया था। तालाब में इन फव्वारों को देखो। जिस समय ये सारे फव्वारे छूटते होंगे कितना सुंदर लगता होगा। चिनार के ये वृक्ष कितने बड़े हैं। कहते हैं इन्हें जहांगीर ने स्वयं लगवाया था। यहां भी तरह तरह के फलों के वृक्ष और रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां हैं। अब निशात बाग की सैर करने चलें। निशात शब्द का अर्थ है प्रसन्नता। सचमुच ये बाग दर्शकों के मन को प्रसन्नता से भर देता है। इसमें संदेह नहीं कि निशात भारत के सबसे सुंदर बागों में से एक है। इसे शाहजहां की बेगम के पिता आसिफ खान ने लगवाया था। आसिफ खान को यह बाग प्राणों से भी प्यारा था। निशात भी सीढ़ी नुमा बाग है। बाग के बीचों बीच इन छोटे तालाबों को देखो। ये नहर द्वारा एक दूसरे से मिले हुए हैं। अरे यहां कितने फव्वारे हैं। इनसे बाग की शोभा कितनी बढ़ गई है। इस बाग में लगी फूलों की क्यारियों को तो देखो। कैसे रंग बिरंगे और सुंदर फूल हैं यहां। ऐसा लगता है मानो फूलों की प्रदर्शनी लगी हुई हो। लाल पीले फूलों की क्यारियों के बीच इन नीले फूलों की पंक्तियां कितनी आकर्षक लगती हैं। यहां चारों ओर सुगंध ही सुगंध है। कश्मीर यूं ही सौंदर्य की खान है। फिर ऐसे बागों ने तो कश्मीर की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। भाषा जगत। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। ध्वन्यांकन सतीश लाड़े और दीपक पांडे। निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन और दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा कार्यक्रम निर्देशक प्रभुदयाल खट्टर। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रस्तुत किया गया।